हाय गुरु दादी, इनकी झूले 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 ये जो दिख रहे हैं ना, ये सोने से भी महंगे, लाल लाल। अच्छा, सोने से भी महंगे। तो दादी से मिलके ने तुम्हें अच्छा लगा यार, मुझे मेरे को अपने दादा दादी की याद आ जाती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज का मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या करना है। आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि एक मंथ हो गया है कंप्लीट। मैंने लास्ट टाइम एक मंथ पहले गई थी डॉक्टर के पास जब मैंने अपनी स्किन चेक करवाई थी। तो आज फिर से डॉक्टर ने बोला था कि एक मंथ वापस आना है, एक मंथ बाद वापस आना है। तो आज मैं फिर से डॉक्टर के पास जा रही हूँ, रीता आ रही है साथ में। उसके बाद हम कुछ घूमेंगे फिरेंगे, देखते कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। तो ऐसे मैं शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, और उसके बाद शाम को मेडिटेशन भी है। तो आज यही सब कुछ होने वाला है दिन भर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स। और आज लगी है बहुत मस्त धूप, एक भी बादल नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं ना एक भी, दिखाती हूँ सच में एक भी नहीं है। कितने दिन हो गए मुझे आके घर से, लेकिन 10 से 1 दिन तो हो ही गए और तब से बारिश ही बारिश लगी थी। देखो एक भी बादल नहीं है, एक भी नहीं। आज का तो मैं बोल सकती हूँ यार, आज मैंने लेट करी है। मैंने रीता को जल्दी बोला था थोड़ा, और उसे खुद उठाने गया, फिर उसने मुझे कॉल की 9:30 बजे, बोलती कि यार चलने दिए, जय भोलेनाथ। तो उसने बोला चलने दिए, मैंने बोला यार मैं तो सोई हूँ अभी, मुझे उठना है नहाना है। फिर उसने बोला जल्दी जल्दी कर ले, फिर मैं उठी फटाफट से। हाय, हेलो, कोई तो इतनी डिसेंट सी क्यों लग रही है, इतनी शरीफ तो तू है ही नहीं। ये देखो अभी हमें कौन मिले, सुबह सुबह जूस पीने वाले लोग। आज समीक्षा बहुत सच की आई है, क्या बात है। कुछ तो बात है। और ये इसने स्पेशल डिमांड में बोला आज व्लॉग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो आज वाला व्लॉग होगा ना वो देखो, उसमें आपकी स्पीच रखी है, मैंने कुछ कट नहीं मारा। तू मत रखना ये मेरी। तू तब लॉन्ग टाइम स्पेंड कर रही थी आगे पहाड़ियों को देख के। तो तुम लोग सुबह सुबह क्या है मतलब यहाँ पे? हम लोगों ने खाना नहीं खाया तो हम लोग जूस पीने आ गए। खाना क्यों नहीं खाया तुम्हारी? रुक जा, तुम्हारी मम्मा खाना नहीं देती तुम्हें? नहीं मम्मी खाना देती है, मुझे तो नहीं लग रहा है देती है इनकी मम्मी खाना। तुम्हारी मम्मी सो के उठ गई? नहीं नहीं मेरी मम्मी खाना दिया था, सोकर भी उठ गई, 4 बजे उठ गई। आंटी ये देखो कैसे कैसे बोल रहे हैं आपको, तभी तो जूस पीना पड़ रहा है बाल को। अब बंद करो ये, और बोले कि मेरे को ब्लॉग बनाने को। तो ये लोग जाएंगे यूनिवर्सिटी, हम लोग जाएंगे और आगे। बाय दोस्तों, बाय बाय। तो यहाँ पे ऑलरेडी बस लगी है, हम दो चल पड़े और चूर समीक्षा वापस चले गए। तो जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, और मेरा बैग नीचे छूट रहा है, छूट गया है ये। इतने छोटे से शिमला में मेरी रीता खो गई थी अभी यहीं पे, ये साइड को चली गई, मैं दूसरी साइड आ गई, फिर जाके मिल गई कि पिछली साइड है रोड के। तो ये जा रही है लड़की अपनी, मैंने रोड क्रॉस कर लिया था, इसने नहीं किया, फिर मैं इसको ढूंढने, अब इसको नहीं पता मैंने रोड क्रॉस कर लिया। ये मेरे आगे जा रही है, मैं अगली साइड देख रही हूँ। सरप्राइज, तेरे को नहीं पता मैं तेरे पीछे हूँ। मैं ना खज्जल होगी कि बंदी गायब हो गई, ये पीछे ATM में घुसी थी। ये पहुँच गए हम हॉस्पिटल, और फटाफट से पर्ची पुर्ची काटते हैं। अब जा रहे हैं हम पर्ची काटने। ये है मेरी पर्ची, ये है स्किन OPD 101 वाले डॉक्टर थे। ऑर्थो में बहुत ही ज्यादा भीड़ है, पर मधु वाले में तो दो ही लोग हैं। ओ लीची मिल गई, चले। तो डॉक्टर के पास से आ गई हूँ मैं, डॉक्टर ने रिपीट किए मेडिसिन कुछ, तो मैंने कुछ ही लिए हैं, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी हद तक ठीक तो हो गया था मेरा पिगमेंटेशन, और 3 महीने का कोर्स बोला है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये देख लो शिमला, और ये रहे हनुमान जी, और हम लोग जा रहे तिप्ती मार्केट थोड़ी शॉपिंग करने, खत्म। और आज देखो मैंने बोला था एक भी बादल नहीं है, एक भी नहीं है, लिटरली एक भी। तो ये पहुँचे हम तिप्ती मार्केट, ये देखो यहाँ आजीविका भवन नगर निगम शिमला। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अब अंदर, और देखते हैं हम क्या शॉपिंग करते हैं। तो अभी शॉपिंग कर रहे हैं, रीता ट्राई कर रही है, और जीन्स देख रहे हैं हम लोग, जीन्स लेंगे यहाँ से। मैंने तो फाइनल कर दी मेरी जीन्स में, और इसकी भी आती होगी। फाइनली शॉपिंग हो गई, हमने शॉपिंग कर ली, और अब हम जा रहे हैं इसको अल्टर करने। जीन्स ली हमने के पास, और यहाँ पे लगा है आई लव शिमला तिप्तिन मार्केट,
और यहाँ पे शिव जी भी हैं, उसके नीचे बुद्धा भी हैं। यहाँ देखो कितने अच्छे बुद्धा बनाए हैं और यहाँ नीचे पानी भी है। थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और अब हम बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी जीन्स ना लंबी थी, वो ऑल्टर करने को दिए। हट भाई, मेरे को बैठने थे शिव जी के पास, क्या पता शिव जी हमें थोड़ी अक्ल दे दे। तो हम एक दादी की शॉप में है ना यहाँ पे, दादी इतने स्वीट हैं, हाय करो दादी, इनकी शॉप है यहाँ पे, जिसको कुछ सामान लेना होगा यहाँ आ जाना। कौन सी शॉप है, शॉप नंबर कितना है, शॉप नंबर 353 है तिप्ती मार्केट में। अगर किसी को कुछ सामान लेना हो, कपड़े वगैरह हैं यहाँ पे, बहुत कुछ है और भी है सामान, तो आप आना। दादी इतने प्यारे, इतने क्यूट से, इन्होंने हमें चीकू भी दिया। पेंट पुंट भी है, हाँ पेंट जेंट्स के हैं सामान ज्यादातर, लेडीज। तो ये देखो यहाँ पे बच्चों के लिए भी ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे, और यहाँ पे शॉप नंबर 353 है। आपने बोलना कुछ दादी, झूले झूले दादी हैं किन्नौर से, हांगो से हैं दादी। खुद दादी जो है ना किन्नौर से, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ही है। किन्नौर में लेडीज टोपी पहनती हैं, उन्होंने बाहर से शॉल भी डाली है, तो हाँ। और इनके कान के बाले देखो, बिल्कुल यूनिक है, अलग से इसमें। ये दादी ये पत्थर जैसे क्यों होते इसमें, यही तो मूंगा बोलते हैं, मूंगा महंगा होते हैं, सोना से महंगा होता है, सोना से भी महंगा होता है, महंगा होते हैं जो ये वाले आपके, हाँ, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सोने से भी महंगे, लाल लाल, अच्छा सोने से भी महंगे, अच्छा मोती, मूंगा मूंगा मोती। दादी का नाम है डोलमाने की, दादी ध्यान रखना अपना, ठीक है, ठीक है, बाय बाय बाय, आना कभी, आएंगे आपको फिर से। तो दादी से मिलके ना इतना अच्छा लगा यार, मेरे को अपने दादा दादी की याद आ जाती है। फिर मैं इनसे बात करके इनकी शॉप में बैठ के थोड़ी देर ही अपने धोते का वेट कर रहे थे, तो आया नहीं, अगर देख रहा है भाई जल्दी आया। धोता धोता मतलब लड़की का बेटा, अच्छा, हाँ पोता तो पोता होता है ना, धोता होता लड़की का बेटा ना, हाँ उसका वेट कर रहे थे दादी। तो बहुत स्वीट है यार वो किन्नौर से, और किन्नौर तो मुझे ले लिया, और किन्नौर तो मुझे बहुत पसंद है, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। अब हम जाएंगे लिफ्ट से ऊपर, लिफ्ट से जाएंगे सीधा मॉल रोड पे, हिमाचल टूरिज्म की लिफ्ट है ये। कोई इतनी दिल में चुपती है यार, जब मैं किसी बुजुर्ग आदमी को देखती हूँ, पता नहीं क्यों। चलो टिकट लेते हैं लिफ्ट से, जा टिकट लेते हैं। तो रीता गई अभी टिकट लेने, और हम जाएंगे लिफ्ट में। यहाँ से जो लिफ्ट दिख रही है ना, दो बार चेंज करनी पड़ती है, फिर सीधा चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी और सीधा मॉल रोड पर पहुँच जाएंगे। ले भी ली थी तूने टिकट, फर्स्ट फ्लोर के बाद ना फिर से एक लिफ्ट चेंज करनी पड़ती है, तो हम दूसरी लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। डोर क्लोजिंग, ओपन यहाँ से होगा। हाँ, और हम मॉल पे पहुंच भी गए दो लिफ्टें चेंज करने के बाद। अब हम हैं द मॉल रोड शिमला में, यहाँ डाल टिकट, ओ यहाँ डाल, यहाँ डाल। तो अभी हम लोग कुछ खाने आए हैं यहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस में, फिर से मसाला डोसा और कॉफ़ी। यार हालत देखो तो क्या हो गई है, तो कुछ खा लेते हैं, भूख लगती है बहुत ज़्यादा। आएगा अभी मसाला डोसा और कॉफ़ी, उसके बाद बस। तो ये आ गया हमारा मसाला डोसा और सांभर। मुझे जो यहाँ का सांभर बहुत पसंद है, मतलब अलग सा ही टेस्ट होता है इसका, खट्टा खट्टा सा, और बहुत टेस्टी सांभर बनता है यहाँ पे। तो लेट्स, तो अभी हमें मेडिटेशन के लिए भी निकलना है, तो जल्दी से खाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 5 बजे से हमारी मेडिटेशन है और 4 बजने वाले हैं ऑलरेडी, तो जल्दी करो बहन। ठीक है, ये चटनी है, कोकोनट चटनी, सॉस और सांभर और मसाला डोसा। कैसा लगा, है ना, सांभर तो बहुत ही अलग सा टेस्ट होता है। खत्म, खा के निपट गए हम। अब हमारी कॉफ़ी आनी थी, अगर जल्दी आती तो अच्छा था। तो अब हमारी कॉफ़ी भी आ गई है, तो कॉफ़ी भी लेते हैं। तो ये जगह थी जहाँ हम गए थे इंडियन कॉफ़ी हाउस, लगा तुझे, सच बता। अच्छा, बहुत। ये पहली बार आई ना, हाँ मैं तो आ गई दूसरी तीसरी बार। तो अभी हमें जल्दी जल्दी निकलना है, और कैमरा बहुत गंदा क्यों है, अब थोड़ा साफ हो गया शायद। तो हमें निकलना है, कैब मिलेगी तो कैब में चल जाएंगे, अदरवाइज तो फिर बस स्टैंड के लिए भागना पड़ेगा। 5 बजे हम यूनिवर्सिटी पहुँच रहे हैं, इसी भी अलग। ये खा रहा है बंदर आइसक्रीम, क्योंकि इसी ने लोगों की आइसक्रीम छीनी होगी। चलो भाई, हमें कुछ नहीं है दुखा। और ये वाला बंदर सोच रहा है कि इसे तो आइसक्रीम मिल गई, मुझे क्या मिलेगा। सीट मिल गई हमें, और
हम टाइम से पहुंच जाएंगे ना। तो हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं और अब हम मेडिटेशन रूम में भी आ गए हैं। ये रीता है, यहाँ पे मैं हूँ, अर्जुन अभी आ रहा है और पता नहीं और भी लोग होते हैं, दो तीन और होते हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं होती तो हम ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। तो सवाड़ी खराब। ये आया टिंकू, ये हमें थाई लैंग्वेज सिखाते हैं, मैं इनको कोरियन सिखाती हूँ, ये हमें थाई सिखाते हैं। मराठी तो मेरे को नहीं आती भाई, चला आप मराठी सीखू जा। ये ते हयाना वजह समझना, मला समझ नहीं, मला येत नहीं मतलब आना, मला येत नहीं मराठी, मला येत नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग मेडिटेशन करके आ गए बाहर, और भाई बहन बोलने देगी, अभी मेडिटेशन करके बाहर आ गया, 6 बज रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज की मेडिटेशन का, और मेडिटेशन के बाद ऐसा पीसफुल सा फील होता है, बहुत मज़े से आते हैं इन दोनों को। चले बताओ तुम्हारा कैसा रहा मेडिटेशन, कैसी रही मेडिटेशन आज की? घना कसूता सी कैसे? तेरे को तो हमेशा नींद आती थी, पर मेरी मेडिटेशन आज की बहुत अच्छी रही, पर जब मेडिटेशन कर आंखें खोलते हो ना सब कुछ पहले खाना खा के गई थी तो मैं नहीं खा के गई थी, क्या शादी तो खाया था। कल का प्रोग्राम अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, पर मे भी कुछ स्पेशल हो सकता है कल के लिए, तो उसके लिए वेट करो, अभी डिसाइड करेंगे क्या होगा कल, और फिलहाल जस्ट पहुंच ही रहे रूम, अब थोड़ा चेंज करते हैं, फिर रीता मैडम आज हमें कुछ अच्छा खाना खिलाएगी। चाय बनाएगी तू पहले? प्लीज। हाँ पहले चाय बना दे। हाँ जब से नए रूम में, इसने रूम चेंज किया, मतलब शिफ्ट किया इधर से इधर को, साथ वाले रूम के लिए, तो जब से इसने नए रूम को शिफ्ट किया तब से मैं इसके रूम चुप रहे, तब से मैं इसके रूम दो बार आ गई हूँ ना, और ये मुझसे काम नहीं करवाती अब, अदरवाइज पहले जो इसके रूम आता था काम उसी को करना पड़ता था। नहीं थैंक यू यार, अब भी तू ही करेगी काम। थैंक यू। ओके अब चाय बना लेनी चाहिए ना फिर काम। नहीं मेरे को ऐसा था काम करना, मेरे को चाय पिला। तो ये आ गई है अपनी चाय जो रीता मैडम ने बनाई है। ऐसा तो बोल टेस्टी है। देखा सुना गाइस, सुना क्या बोल रही है लड़की, ऐसा तो बोल, बोला टेस्टी है, नहीं चाय तो अच्छी है इसके लिए मैं सच। तो कल का सीन कुछ नहीं बना, कहीं जाना था फिर नहीं जा रहे हैं, तो दुख हो रहा है थोड़ा, कोई सीन नहीं, कभी और मौका मिलेगा। यार मैं बहुत दुखी हूँ अभी, पर चलो व्लॉग एंड करना ही पड़ेगा ना, दुखी हो जाए दुखी हो, डिनर करेंगे, मेरा मूड खराब हो गया, मेरा व्लॉग करने का मन भी नहीं कर रहा। तो ठीक है फिर, ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मज वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, अन्योंग। डिनर करेंगे, मेरा मूड खराब हो गया, मेरा व्लॉग करने का मन भी नहीं कर रहा। तो ठीक है फिर, ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मज वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, अन्योंग। और आपका मूड खराब भी होगा ना तब भी स्माइल करना है, कोई चक्कर नहीं, मूड अच्छा खासा खराब होता रहेगा, अच्छा भी होता रहेगा, पर मेरा अभी थोड़ा खराब है तो भी क्या हो गया। तो आज का ना आपको क्विक बता रहा, तो आज का ना मैं आपको एक क्विक क्या यार बोला ही नहीं जाता मुझसे, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की हमने, देखा हाथ के लगाने की आदत थोड़ी बहुत।